फिर से नए दिन में नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आज का क्या होता है। तो आज मैं उठ गया हूँ दोस्तों सुबह 6:30 बजे और घूम रहा हूँ अपनी छत पे। बाकी आपको मैं अपनी छत से सुबह सुबह दोस्तों आज दिखाता हूँ सनराइज का कुछ नज़ारा। बहुत ही प्यारा दोस्तों सनराइज हो रहा है, तो सनराइज दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों सामने, मज़ा आ गया यार, कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। देखिए ये देखिए। तो दोस्तों मैं नहा धो करके हो गया हूँ रेडी। आज नवरात्रि का दोस्तों तीसरा दिन है, तो आज भी मैं दोस्तों एक मंदिर पे जा रहा हूँ। बहुत प्यारा मंदिर है दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल नंदा देवी के दर्शन करने के लिए। तो नंदा देवी के दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। बाकी मौसम तो दोस्तों हल्द्वानी में बहुत सुबह से गर्मी स्टार्ट हो जा रही है, नैनीताल में रहोगे बढ़िया मौसम। तो थोड़ा आज पहाड़ों को जाते हैं, ठंडे मौसम में जाते हैं और माता रानी के दर्शन भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो निकलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद और बाकी रास्ते की भी आपको कुछ व्यू दिखाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए आज के दिन में क्या क्या होता है मेरे ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों हल्द्वानी का मौसम, चटाक धूप आई है बिल्कुल खतरनाक वाली। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, ये रोटी बन चुकी है। ज्योति इसमें क्या बनाया है? चावल और दाल नहीं बनाई आज कुछ रोटी के साथ के लिए। अभी मैं निकल चुका हूँ, जाता हूँ थोड़ा नैनीताल को, नंदा देवी के दर्शन भी करके आता हूँ और चलता हूँ दोस्तों और दिखाता हूँ आपको कुछ रास्ते के भी व्यू। तो निकलते हैं और मिलते हैं। तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ, नैनीताल रोड पे पहुँच गया हूँ मैं। देखिए रास्ते में यहाँ पर आ रहा है दोस्तों धारे का बहुत बढ़िया पानी, तो पानी पीते हैं उसके बाद जाते हैं दोस्तों आगे को। ये नल में आ रहा है दोस्तों पानी, देखिए ये डायरेक्ट धारे का पानी है, पीते हैं पानी। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. गाड़ी वाले ने भाई को ठोक दिया है। भाई चोट कहाँ पर लगी दिखाओ, चोट लगी है क्या? चोट लगी है। देखो इनके लग गई है चोट और इनको मार दिया है गाड़ी वाले ने। देखिए गाड़ी कौन चला रहे थे? लड़ाई होगी देखिए। I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but वाला हूँ नैनीताल और रास्ते में देखा आपने एक हुआ था भयानक एक्सीडेंट, कोई बाहर की गाड़ी थी। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ से दोस्तों जो नज़ारा दिख रहा है ना, यहाँ से मतलब 1-2-3 किलोमीटर आगे नैनीताल है। तो फाइनली हम नैनीताल पहुँचने वाले हैं। फिलहाल आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ रास्ते के कुछ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर के नज़ारे, कितना प्यारा व्यू है यार दोस्तों। ये देखिए वहाँ नीचे, देखिए वो नीचे तो और गजब दिख रहा है यार, मज़ा आ गया। ये देखिए ये पूरे ऊपर पर पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। ये देखिए दोस्तों, यह है नैनीताल की खूबसूरती दोस्तों। देखिए बाकी ठंडा भी दोस्तों यहाँ होने लग गया है अच्छा खासा, हल्द्वानी से मतलब अच्छा मौसम हो रहा है। तो फिलहाल अब चलते हैं नैनीताल की तरफ को। पहुंच चुका हूं नैनीताल। तो अब मैंने यहां पे जो है अपनी बाइक पार्क कर दी है। तो अब जाता हूं दोस्तों, थोड़ा सा पहला जो मेरा काम है नंदा देवी के दर्शन करता हूं, उसके बाद दोस्तों पूरी माल रोड भी एक्सप्लोर करूंगा। तो जाते हैं फिलहाल मंदिर के दर्शन करते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये रही दोस्तों देखिए नैनीताल, मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ सामने से अंदर को। बाकी पूरा नैनीताल है, देखिए इधर ऊपर को भी मार्केट है। ये देखिए यह है दोस्तों नैनीताल की माल रोड, देखिए
अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा भीड़ भड़ाका कम है क्योंकि मार्केट भी अभी यहाँ पर बंद है, शाम के टाइम पे खुलती है। देखिए, और हमने जाना है दोस्तों आगे को। आगे को है मंदिर, नंदा देवी मंदिर है आगे को। बाकी दोस्तों सामने देखिए, ये है नैनीताल की मस्जिद और यहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर गेम होते हैं। देखिए इतना प्यारा लगता है यार नैनीताल का ये वाला व्यू, ना गजब प्यारा लगता है यार, मज़ा आता है देखिए देखते हुए। तो यह है दोस्तों नैनीताल की पूरी देखिए मार्केट। ये देखिए यहाँ कपड़े कपड़े आपको हर वैरायटी के मिल जाएंगे, इधर को फूड मिल जाएंगे आपको चाइनीज फूड। ये देखिए साइड को, बाकी इस साइड को आपको सारे कपड़े मिल जाएंगे। देखिए यह दोस्तों नैनीताल की कुछ मार्केट। बाकी पहला जो है दोस्तों हमारा एम है मंदिर जाने का, पहले जाते हैं मंदिर, मंदिर में माता रानी के करते हैं दर्शन। मंदिर भी दोस्तों इधर ही साइड में है नीचे को, तो जाते हैं कि नंदा देवी का मंदिर ये सामने, यहाँ से नीचे का रास्ता और यहाँ पर से मिलता है दोस्तों प्रसाद। चलते हैं दोस्तों नीचे और माता रानी के दर्शन करते हैं। बाकी यहाँ पर नोट भी लिखा है, देखिए तो मंदिर में आता है तो ये नोट पढ़ लिए। देखिए मंदिर में भी है दोस्तों अच्छी खासी भीड़, देखिए सभी लोग आ रखे हैं दर्शन के लिए। यहाँ उतारते हैं जूते, यहाँ लिखे हैं देखिए जूते उतारने का, तो यहाँ पर उतारते हैं जूते। हनुमान जी का मंदिर देखिए, तो पहले करते हैं बजरंग बली जी के दर्शन। बाकी ये सामने है दोस्तों नैना देवी मंदिर है, देखिए बट यहाँ जो है वीडियो बनाने अलाउड नहीं है। देखिए मंदिर में भी देखिए दोस्तों आज भीड़ अच्छी खासी है, ये पूरा मंदिर का नज़ारा उस टाइप का। देखिए देवी मंदिर देखिए, मैं आपको कराता हूँ बाहर से दर्शन। यहाँ पर से हिलती है देखिए, फिर टीका लगाइए। दोस्तों अब और मंदिरों में करते हैं दर्शन, नंदा देवी के तो दर्शन हो चुके हैं। ये सामने है भैरव मंदिर, इसके अंदर को भी आते हैं दोस्तों, यहाँ भी है मंदिर, यहाँ भी है दोस्तों मंदिर। देखिए संतोषी माता, नवग्रह मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है देखिए। तो शिवलिंग देखिए, जय हो भगवान जी, रक्षा करना। बाकी यहाँ पर देखिए पूजा पाठ लगी हुई है, सब लोगों की पूजा पाठ कराने में लगे हैं देखिए। और ये है कुछ मंदिर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इधर को है लेक, आपको लेक का भी कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। यह देखिए नैनीताल लेक कुछ इस टाइप की। बाकी मछलियाँ देखे यहाँ कितनी ज़्यादा हैं, ये देखिए वो उधर पे सामने हो रही है बोटिंग। देखिए यह कुछ नैनीताल दोस्तों, ये मंदिर के दर्शन भी मैंने कर लिए हैं, बहुत प्यारा है दोस्तों मंदिर, बहुत सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ दर्शन करके। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो वैसे ही यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है,
तो फिलहाल अब मैं निकलता हूँ दोस्तों मंदिर से, और थोड़ा बहुत माल लोड भी एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा मार्केट भी घूमता हूँ, और दोस्तों उसके बाद निकल जाएंगे हल्द्वानी की तरफ को। तो फिलहाल घूमते हैं हल्का फुल्का, और आपको भी दिखाते हैं और क्या क्या है नैनीताल में घूमने लायक, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। चलते हैं बाहर को अब, और मिलते हैं आपको मंदिर से बाहर के दोस्तों। यहाँ आगे को है ये भोटिया मार्केट, वो आगे को जाके आज बंद भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज यहाँ ईद है, ईद मनाई जा रही है, लेकिन खुली है साइड देख लेते हैं। यह दोस्तों पूरी भोटिया मार्केट देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए पार्किंग नैनीताल की, आज पार्किंग भी फुल है दोस्तों, देखिए ये देखिए। आगे को अब जाता हूँ नीचे बोटिंग साइड को, वहाँ का भी आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। जाते हैं दोस्तों आगे को और देखते हैं वहाँ पर का भी कुछ नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पर से हो रही है देखिए बोटिंग, आज जो है टूरिस्ट कम आए हैं तो इस वजह से बोटें ज़्यादा खड़ी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर खड़ी हैं। बाकी उस साइड को देखिए पूरी बोटिंग हो रही है। बाकी मौसम तो दोस्तों नैनीताल में एक नंबर हो रहा है यार, ना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है देखिए। बाकी यहाँ पर देखिए बोट भी बन रही है सामने, देखिए कुछ इस टाइप की है नैनीताल का बोटिंग का देखिए। बाकी जितना घूमा आपको भी दिखाया, अभी नैनीताल सही से खुला नहीं है। बाकी तो दोस्तों बाहर बहुत बार नैनीताल का वीडियो मैंने बना रखा है, फिलहाल अभी चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। मेन काम था मेरा नंदा देवी में दर्शन करना, तो मैंने दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन कराए। अब फिलहाल निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ को और मिलते हैं। मैगी खाने के लिए मेवाड़ी जी के पास, मेवाड़ी जी के पास सौरभ जोशी मैगी, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। मेवाड़ी जी सौरभ जोशी खाते हैं आपके यहाँ मैगी? सौरभ जोशी हैं, सौरभ जोशी वही खाते हैं ना, यहीं पर आते हो? अच्छा आप क्या क्या बनाते हो? चाय, मैगी, बन मक्खन, बन आमलेट। अच्छा सभी चीज बनाते हो? ठीक हो गया। देखिए भाई साहब सौरभ जोशी भी यहाँ पे आते हैं मैगी खाने, तो इसका मतलब मेवाड़ी जी कुछ स्पेशल मैगी बनाते होंगे तभी वो यहाँ पर आते हैं मैगी खाने। क्यों भैया स्पेशल बनाते होंगे ना? फिर सौरभ जोशी का आना मतलब हाँ हाँ डाला है, मैंने देखा था यार मेवाड़ी जी का भयानक मैगी पॉइंट। ये नंबर भी सौरभ जोशी के हैं क्या? अच्छा ये। अच्छा गधेरा नीचे को डेंजरस एरिया है, अच्छा आदमी देखेगा तो ध्यान की अच्छा पॉइंट है ये। तो यह है दोस्तों भयानक का मतलब, देखिए नीचे को पूरा मतलब पैर फिसला तो आदमी गया नीचे को, यह है इसका मतलब भयानक। देखिए तो मेवाड़ी जी बना रहे हैं बढ़िया सी मैगी, मेवाड़ी जी स्पेशल वाली खिलाना है जो सौरभ जोशी को खिलाते हो। इच्छो ठीक है सर, बस 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 ऐसी मैगी खिलाना बढ़िया वाली। तो आ चुकी है अपनी मैगी, सौरभ जोशी की फेवरेट मैगी, तो खाते हैं मैगी उसके बाद बताते हैं आपको टेस्ट। तो मेवाड़ी जी ने बनाई है बढ़िया मैगी, सौरभ जोशी की फेवरेट मैगी है ये, मज़ा आ गया भाई जी, मज़ा आ गया यार, बहुत बढ़िया मैगी बनाई है आपने सही में। अभी सौरभ भाई आते हैं यहाँ है तो खाते हैं मैगी उसके बाद। मेवाड़ी जी का मैगी खा ली है, अब चलते हैं यहाँ से जी। बहुत बढ़िया बनाई मैगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैगी खिलाने के लिए। बाकी सौरभ भाई आए तो हमें भी याद कर देना, ठीक है? हितेश पांडे नाम है मेरा, बता ठीक है सर? ठीक है फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। और इसको शेयर भी करना। हाँ हाँ शेयर जरूर करेंगे सर हम आपको, बाय बाय। खतरनाक बना रखी है यार, मजा आ गया।
जाता हूँ अंदर, थोड़ा हाथ पैर धोता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और थोड़ी देर करता हूँ दोस्तों आराम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकाई लगी है। और मिलता हूँ दोस्तों आपको अब शाम के टाइम पे। तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर समाप्त। मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।